हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी मौसम की एकदम सटीक जानकारी। गांव-गांव में बनेंगे वेदर स्टेशन। देश में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई शानदार स्कीम्स का संचालन कर रही हैं और इसी कड़ी में गांव-गांव तक किसानों को मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग एक अच्छी पहल शुरू कर रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में किसानों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेनगेज को स्थापित करने की योजना है। योजना के तहत मौसम व राजस्व विभाग से छूटे हुए 55,570 ग्राम पंचायतों व 308 ब्लॉकों में इसको स्थापित करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि यह पहल कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की सहायता से राज्य सरकार का कृषि विभाग ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेनगेज को स्थापित कराएगा। केंद्र सरकार की विंड्स यानी कि वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम योजना के तहत ग्राम पंचायत में वेदर सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार की विंड्स योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विकास खंड और ग्राम पंचायत में ऑटोमेटिक रेनगेज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों में इनको लगाए जाने को लेकर चयन का काम शुरू हो गया है। इस योजना का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। मौसम की जानकारी मिलने से वे बेहतर और उचित फसलों की खेती कर सकेंगे। मौसम के पूर्वानुमान से किसान फसलों को लेकर अच्छी वित्तीय योजना और जोखिम प्रबंधन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना में इसके अलावा किसान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर बीमा, ऋण और खेती से जुड़े हुए किसानी से जुड़े हुए अपने सभी पहलुओं को लेकर बेहतर तैयारी कर सकेंगे। विंड्स योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत और विकास खंड में जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेनगेज लगेंगे उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पंचायत सेवा की होगी। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को विकास खंड कार्यालय में लगाया जाएगा तो वहीं ऑटोमेटिक रेनगेज को पंचायत भवनों की छतों पर लगाया जाएगा। दुनिया भर के देश एआई की चुनौतियों और खतरों को लेकर हुए सावधान। यूरोपियन यूनियन ने किया रेगुलेट करने का फैसला। बता दें कि आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसकी चुनौतियों के और खतरों से भी दुनिया परिचित और सावधान होती जा रही है और ऐसे में एआई को रेगुलेट करने की पूरी तैयारी चल रही है और इस दिशा में यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले कदम उठाया है। यूरोपियन यूनियन में एआई एक्ट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाए। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने तो इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है, लेकिन दुनिया के कई दूसरे देश एआई को रेगुलेट करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले महीने ही एआई को लेकर एक चर्चा की थी और इसके साथ ही एआई फोरम का भी आयोजन किया था जिसके दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों के प्रमुखों ने उसमें हिस्सा लिया था। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों में इस बात की सहमति है कि एआई को रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने चैट जीपीटी बनाने वाले ओपन एआई के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों के कानूनों के उल्लंघन करने की जांच कर रहा है। बता दें कि एफटीआई ने ओपन एआई से गोपनीय जानकारियां भी मांगी हैं। भारत सरकार ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। थिंक टैंक नीति आयोग ने सभी के लिए जवाबदेह एआई को लेकर कई पेपर्स जारी किए हैं। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई ने इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के गठन का सुझाव दिया है। तो वहीं बता दें कि चीन ने एआई के खिलाफ अभी से सख्ती शुरू कर दी है। चीन में सर्विस प्रोवाइडर्स को आम लोगों के लिए एआई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले सिक्योरिटी असेसमेंट सबमिट करने से लेकर उस पर मंजूरी हासिल करना होगा। अमेरिका के तर्ज पर जापान भी एआई के खिलाफ 2023 के आखिर तक रेगुलेशन जारी कर सकता है। जापान ने लोगों की निजता पर निगरानी वाली संस्था ने बगैर लोगों की मंजूरी के सेंसिटिव डेटा नहीं जुटाने की हिदायत जारी की है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी जुलाई के महीने में एआई को लेकर औपचारिक चर्चा की थी जिसमें एआई के मिलिट्री और नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन को लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
कांग्रेस ने मिजोरम में जारी की 39 उम्मीदवारों की लिस्ट। बता दें कि कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के 40 सीटों में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि एक सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पार्टी ने चुनावी मैदान में 37 एसटी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो वहीं 2 जनरल को टिकट दिया गया है। बता दें कि ये लिस्ट तब जारी की गई है जब राज्य में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। आपको बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं और इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले 28 नवंबर 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, जबकि एमएनएफ 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को राज्य में एकमात्र सीट मिली थी और निर्दलीय को 8 सीटें मिली थी। IOC का बड़ा फैसला, ओलंपिक्स में 128 साल बाद शामिल हुआ क्रिकेट, खेले जाएंगे T20 मैच। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने का अहम फैसला लिया है। मुंबई में IOC के 141वें सत्र की बैठक में इस फैसले का ऐलान किया गया। इसके बाद अब साल 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। इस तरह से 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। बीते 15 अक्टूबर से मुंबई में IOC का 141वां सत्र जारी है। समिति की यह बैठक 17 अक्टूबर तक चलने वाली है। बता दें कि IOC के सदस्य नीता अंबानी ने समिति के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि भारत के लिए यह फैसला काफी गर्व की बात है। बता दें कि फैसले के लिए IOC को धन्यवाद, इससे ओलंपिक्स आंदोलन को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि IOC ने क्रिकेट के T20 प्रारूप को साल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर इसका फैसला कर लिया है। इसके अलावा IOC ने LA गेम्स के लिए रोस्टर में पुरुषों और महिलाओं की प्रतियोगिताओं के साथ साथ 4 अन्य खेलों को शामिल करने के लिए भी मतदान किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने पिछले सप्ताह खेल को कार्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। छत्तीसगढ़ में बोले अमित शाह, कहा कांग्रेसी शासन में बीमारू था छत्तीसगढ़, रमन सिंह ने बनाया विकसित। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को याद कराने आया हूं कि इस राज्य का निर्माण हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कांग्रेसी शासन के दौरान पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी में आते थे, लेकिन जब यहां डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो 15 साल में इस बीमारू राज्य को विकसित बनाने का काम किया गया। अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग कराकर मार दिया। भाजपा ने तय किया कि अब हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के तौर पर उनके पिताजी ईश्वर साहू को हमने चुनावी मैदान में उतारा है। अमित शाह ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भूपेश बघेल, आपने 5 साल में यहाँ क्या किया है? मुझे मालूम है कि आप विकास का हिसाब किताब नहीं रखते हो। आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव विधायक को चुनने का नहीं है, बल्कि आने वाला चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मिजोरम में लगाए गंभीर आरोप, कहा मणिपुर अब एक राज्य नहीं रहा, यह बट गया है। बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे हैं। यहां पर आइजोल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मणिपुर में जारी हिंसा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे, उन्होंने यहां कार्यक्रम में मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया। राहुल ने भाजपा पर मणिपुर के विचार को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने पहले मणिपुर गया था, भाजपा ने मणिपुर के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वहां के लोगों की हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा है। राहुल ने आगे कहा कि मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में जो इजराइल हमास संघर्ष हो रहा है उसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। मणिपुर अब केवल एक राज्य नहीं रहा, यह बंट चुका है। मणिपुर केवल समस्या का एक लक्षण है। ऐसी समस्याएं देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे रूप में देखने को मिलती है। राहुल ने कहा कि भाजपा पर मिजोरम के युवाओं को जीवन नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भाजपा ने यहां 5 सालों में क्या किया। आने वाली पीढ़ी के लिए यहां ड्रग्स तेजी से बढ़ रहा है,
इसमें करीबन 250 युवाओं की जिंदगी खराब हो गई है। ड्रग्स की वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जहां भाजपा आपके सांस्कृतिक धर्म और परंपरा पर हमला करती है, तो वहीं MNF दिल्ली में इसका समर्थन कर रहा है। सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर हुई -0.26%, लगातार छठे महीने निगेटिव रही महंगाई दर। बता दें कि खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर यानी WPI के आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। सितंबर में थोक महंगाई दर -0.26% पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने शून्य से कम रही है। इससे पहले अगस्त महीने में थोक महंगाई दर 0.52% नीचे थी, वहीं जुलाई में ये -1.36% थी। पिछले साल सितंबर में यह 10.55% थी। बता दें कि इस महीने रिटेल महंगाई भी 3 महीने के निचले स्तर पर 5.02% पर रही थी। सितंबर में भी थोक महंगाई के निगेटिव रहने के पीछे मिनरल ऑयल्स, टेक्सटाइल, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेटल्स और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आई है। आपको बता दें कि पीछे इस महीने के सब्जियों की कीमतों में भी भारी कमी देखने को मिली है। बाइडन ने मारिया पलटी, पहले इसराइल का दिया था साथ, अब बोले गाजा पर कब्जा बड़ी गलती। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल हमास के बीच जारी लड़ाई के दौरान कहा कि हमास को नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन राज्य के लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा पर इसराइल का फिर से कब्जा एक बड़ी गलती होगी। इसराइली सेना ने गाजा की सीमा पर टैंक तैनात कर दिया है और कहा कि चरमपंथी समूह को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान होगा। इसराइल के जोरदार हवाई हमले ने पूरे गाजा पट्टी को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि इसराइल हमास युद्ध अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका शुरू से ही इसराइल को हमास के खिलाफ जारी जंग में समर्थन दे रहा है। इससे पहले अमेरिका ने इसराइल को समर्थन दिखाने के लिए अपने 2 वॉरशिप इसराइल के समुद्री सीमा के पास भेजे हैं, तो वहीं कई फाइटर जेट भी भेजने का प्लान बनाया है। हालांकि अब खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन का इसराइल को दिया गया गाजा पर कब्जा न करने वाला बयान कई सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं वो मिडिल ईस्ट देशों को हित में रखकर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने अमेरिकी टीवी चैनल CBS को बताया कि इस संघर्ष के बढ़ने और उत्तर में दूसरा मोर्चा खोलने से युद्ध में ईरान के शामिल होने का खतरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी जॉर्डन के अम्मान में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। बीजेपी ने उठाया यमुना का मुद्दा, बोली आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में परोस रही है जहर। बता दें कि बीजेपी ने यमुना में झाग तैरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कालिंदी कुंज स्थित यमुना घाट पर दौरा किया और इस दौरान यमुना में सफेद झाग तैरने का एक वीडियो सामने आया। मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने लिखा कि दिल्ली में कालिंदी कुंज यमुना किनारे का निरीक्षण किया, जो सोच नहीं सकते ऐसा बुरा हाल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जहर परोस रहे हो दिल्ली को, माननीय सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा कि यमुना जी की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल के सभी दावों की पोल खोली। थोड़े दिन बाद छठ का पावन त्योहार आने वाला है और यमुना जी की ऐसी स्थिति CM केजरीवाल की पूर्वांचल विरोधी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा, 30 अक्टूबर को सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक भारत के प्रमुख न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि उठाए गए मुद्दों के महत्व को देखते हुए मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने रखा जाना चाहिए। मामला 30 अक्टूबर को संवैधानिक पीठ के सामने पेश होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में 4 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें एक याचिकाकर्ता ने बताया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को अब तक 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और इसकी 2/3 राशि एक प्रमुख पार्टी के पास गई है। एक याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि
चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2017 में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। इसे भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI जारी करता है और ये ब्याज मुक्त होते हैं। चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों को 15 दिन के अंदर उन्हें अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर ये देना होता है। राजनीतिक पार्टी अपने सत्यापित खाते में उन्हें प्राप्त चुनावी बॉन्ड्स को कैश करा सकती है। इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि किस पार्टी को किससे चंदा मिला है। निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेरी बरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की फांसी की सजा। बता दें कि निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम मामलों में बरी कर दिया है। इसके साथ ही सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी है। बता दें कि गाजियाबाद की CBI कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ACB कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनाया गया है। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में दी गई फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर ने 2 मामलों में सजा के खिलाफ अर्जी दायर की थी। अदालत ने दोनों को कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर बरी किया है। अब आपको थोड़ा बता दे रहे हैं कि आखिर ये निठारी कांड है क्या। दिसंबर 2006 में निठारी स्थित मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पास नाले से नर कंकाल बरामद हुए थे। जब इस मामले की पड़ताल शुरू हुई तो आरोप लगे कि मनिंदर सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र कोहली के साथ मिलकर कई बच्चों का अपहरण किया, उनके साथ दुष्कर्म करके हत्या के शव को नाले में फेंक दिया। सरकार ने विमानन नियमों में किया संशोधन। पायलट के लाइसेंस अब 10 वर्षों तक रहेंगे वैध। बता दें कि सरकार ने विमानन क्षेत्र में कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन किया है और इसके मुताबिक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अब 10 साल के लिए वैध होंगे। अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता 5 साल के लिए होती थी और उस अवधि के पूरा होने के बाद इसे रिन्यू कराना होता था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान नियम 1937 में संशोधन किया है। विमानन नियमों में किए गए विभिन्न परिवर्तनों के अनुसार एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस और CPL धारकों के लाइसेंस की वैधता 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बदलाव से पायलटों और DGCA जैसे विमानन प्राधिकरणों पर प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे अधिक सुव्यवस्थित और कुशल लाइसेंसिंग प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हवाई अड्डे के आसपास रोशनी के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। जल्द शुरू हो सकती है महंगे शेयर को हिस्सों में खरीदने की सुविधा। सेबी कर रहा है इस पर विचार। बता दें कि सोमवार को MRF की शेयर वैल्यू 1,07,000 रुपए से ज्यादा रही। MRF अकेला नहीं है, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जैसे पेज इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया आदि हैं, जिनकी शेयर वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि छोटे निवेशक उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। इसके साथ ही जमीन और प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए भी ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है और इसी को देखते हुए सेबी फ्रैक्शनल ओनरशिप शुरू करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि फ्रैक्शनल ओनरशिप के तहत निवेशक कंपनी का पूरा शेयर न खरीद कर उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। बता दें कि उदाहरण के लिए अगर आप MRF के एक शेयर का 25% का हिस्सा खरीद सकते हैं तो आपको ये 25,000 रुपए का पड़ेगा। इससे लोग कम राशि के साथ आसानी से निवेश कर सकते हैं और इससे विकल्प भी ज्यादा मिलेंगे। इसके तहत कम राशि के साथ अलग अलग कंपनियों में निवेश किया जा सकता है, जिससे कि निवेशकों को पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में भी काफी मदद मिलेगी। अगर पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है तो इससे रिस्क भी कम होता है। इसके साथ ही कंपनियों को भी लिक्विडिटी बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश करने वाले युवा निवेशकों के लिए फ्रैक्शनल ओनरशिप बहुत अच्छा मौका है। अपनी सेविंग्स को एक ही महंगा शेयर खरीदने के बजाय छोटी छोटी राशि में निवेश करने की आसान सुविधा से अधिक लोग इसमें निवेश कर पाएंगे। अगर शेयरों में फ्रैक्शनल ओनरशिप शुरू होती है तो कंपनियों को स्टॉक स्प्लिट यानी कि एक शेयर को 2-3 हिस्सों में बांटना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में कुछ प्लेटफॉर्म पर फ्रैक्शनल ओनरशिप की सुविधा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सुविधा का इस्तेमाल करके वहां के निवेशक एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अगर भारत में भी ये फैसिलिटी शुरू हो जाती है तो इसे निवेशकों को सही फैसले लेने में और पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलेगी।
इसरो के साथ अब काम करेंगे शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञान नंदा। एस सोमनाथ ने बताया क्या होगी उनकी ड्यूटी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने चेन्नई में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञान नंदा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि हर भारतीय की तरह हमें भी प्रज्ञान नंदा की उपलब्धि के लिए उन पर गर्व है। वह अब दुनिया में 15वें नंबर पर हैं और जल्द ही दुनिया में नंबर एक बनेंगे। एस सोमनाथ ने कहा कि शतरंज भारत में शुरू हुआ एक पुराना खेल है और यही इसका मूल स्थान है। सोमनाथ ने कहा कि यह दिमाग और प्रतिभा का खेल है, यह योजना और रणनीति का खेल है और इसलिए ही भारत इसमें आगे है। उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि चंद्रमा के साथ जमीन पर भी प्रज्ञान है। सोमनाथ ने बताया कि अब प्रज्ञान नंदा इसरो के साथ काम करेंगे। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि हमने चंद्रमा पर भारत के लिए जो किया है उसने जमीन पर पूरा किया है और अब वह भी अंतरिक्ष को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ काम करेंगे। सोमनाथ ने कहा कि प्रज्ञान नंदा युवाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करने और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हमारे साथ काम करेंगे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट ओलावृष्टि संभव है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण और गोवा और रायलसीमा में हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार है, जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।